द सर्कमस्टांसिस मे बी इन माई लाइफ, रोड बंद हो ना बंद हो, मेरी बेगम खाना भिजवा देती है। और यही मल्टीग्रेन की रोटी, ये उसने साग भिजवाया है, साग ही है ना, साग है और साथ चिकन है, और ये उसने खीरे भिजवाए हैं। दिस इज माई लंच। कहने का मकसद ये है, मैं बार बार आवाम को एक रिमाइंडर मैसेज देता हूं कि लंच बॉक्स साथ रखें। अगर ये ना होता अब मैं क्या करता? अब मुझे भूख लग रही है शदीद, मैं ऑर्डर देता, मैं कोई जिंगर मंगवा लेता, और वो जिंगर मैं खाता, वो किसी खाने में ना आता, मैं 6 बजे फिर समोसे चाय कुछ कर लेता। और इसी तरह फिर चीजें खराब होती जाती हैं, फिर बाहर का खाना, पेट खराब, गंदा तेल, गंदे मसाले। अगर आप जिंदगी में इसे एक लंच बॉक्स की आदत बना लेंगे, बीवी के हाथ का, माँ बाप के हाथ का, माँ के हाथ का, आप इतनी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी। तो खुदारा मैं जो बार बार इंडोर्स कर रहा हूं, ये पालक है, साग नहीं है, पालक बनाई हुई है उसने, ये पालक है। और ये वो किचन गार्डन में हमारे वो पालक उगा रही है ना, इसने पालक बनाई है। तो उसने पालक, थोड़े से आलू, चिकन, मल्टीग्रेन की रोटी और सलाद भेजा है। तो अगर आप इसकी आदत बना लेंगे ना, माँ और बीवी के हाथ के बने खाने की, आपकी बीमारियों से ऐसे जान छुटेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदारा घर घर के खाने को तरजीह दें। मैं अब क्या नहीं मंगा सकता इस टाइम, मुझे बताएं, किस होटल से नहीं मंगा सकता? मुझे आपका मैं हिरण मंगवा लू इस टाइम, लेकिन नहीं। दिस इज द थिंग विच आई नीड एंड दिस इज हाउ आई एम मेंटेनिंग माई थिंग्स इन माई लाइफ। मेरा स्ट्रेस भी बहुत कम रहता है इस वजह से। थैंक यू वेरी मच।